यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना 2024। कई कॉलेजों के लिस्ट जो हैं वो जारी हो चुके हैं, कहां पर कितने टैबलेट प्राप्त हुए हैं वे जानकारियां आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। कई कॉलेज होने वाले हैं, अंत तक बने रहेंगे। उससे पहले आप किसी भी ज़िले किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स कर रहे हों और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि टैबलेट स्मार्टफोन की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से हर कॉलेज यूनिवर्सिटी की मिलती रहेगी। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाएंगे। और जो कि लिस्ट और नोटिस सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर दी जाती हैं, तो दोनों जगह जुड़कर रहना आपके लिए ज़रूरी है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, हर ज़िले की टैबलेट स्मार्टफोन योजना की लिस्ट नोटिस आपको मिलती रहेगी। तो हम लोग लिस्ट देखें कि कहां पर कितने किस कॉलेज में कितने स्मार्टफोन या टैबलेट प्राप्त हुए हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, टैबलेट स्मार्टफोन वितरण हर ज़िले में कंटिन्यू कराई जा रही है, तो एक जगह कई कॉलेजों का जो है वो डेटा आया है हमारे पास कि वहाँ पर इतने टैबलेट दिए गए हैं, तो उसको चलिए हम लोग देख लेते हैं। और अगर इसमें आपके कॉलेज नहीं रहते हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना है, क्योंकि हर अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग लिस्ट बारी बारी से। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजकीय महाविद्यालय DLV वाराणसी, यहाँ पर 142 टैबलेट जो हैं वे प्राप्त हो चुके हैं। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये कॉलेज हैं, कई जगह इसमें हो सकता है कि वितरण हो चुका हो या फिर कई जगह नहीं हुए हों, तो ये छात्र जो हैं अपने कॉलेज के संपर्क में रहें, कभी भी आपके कॉलेजों में वितरण हो सकता है, ठीक है। और ये जो टैबलेट है आप देख सकते हैं, वितरण हेतु इन्हें देखिए इतना 142 टैबलेट भेजा गया है। फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय बालिका महाविद्यालय वाराणसी, ये भी है, तो यहाँ पर 107 टैबलेट भेजा गया है। और इसके बाद जगतपुर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जगतपुर वाराणसी, यहाँ पर 377 टैबलेट जो हैं वो प्रेषित कर दिए गए हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे आप देख सकते हैं यूपी कॉलेज है, वहाँ पर 541 टैबलेट जो हैं वे भेज दिए गए हैं। जितने भी बच्चे हैं अपने कॉलेज के संपर्क में रहें, अगर आपके कॉलेज में वितरण अभी तक नहीं हो पाया है तो परेशान ना हो, क्योंकि आपके कॉलेज के लिए टैबलेट 541 भेज दिया गया है और आपको वितरण कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया PG कॉलेज भैरव तालाब राजा तालाब वाराणसी, यहाँ पर 224, तो ये भी बच्चे जो हैं इस कॉलेज के अपने कॉलेज के संपर्क में रहें, जिससे कि आपको टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जा सके। अभी फ़िलहाल में टैबलेट प्रेषित किया गया है 224, स्मार्टफोन नहीं भेजा गया है, इसे आपको ध्यान रखना है। टैबलेट वालों के लिए आप लोग अपने कॉलेज से संपर्क बनाए रखें, अगर वितरण नहीं हुआ है तो, और हो गया तो अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभय महाविद्यालय तरणा वाराणसी, यहाँ पर 90 जो हैं टैबलेट यूनिवर्सिटी सॉरी भेज दिया गया है, 90 टैबलेट। आप सभी स्टूडेंट भी अपने कॉलेज के कांटेक्ट में रहें, अगर आपको टैबलेट नहीं मिला है तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, कुछ ही दिनों में वितरण हो जाएगा, और अगर मिल गया है तो बेहतर बात है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आशा महाविद्यालय बाबतपुर वाराणसी, यहाँ पर 75 टैबलेट जो हैं वे प्रेषित कर दिए गए हैं, तो आप लोग भी संपर्क बनाए रखें अपने कॉलेज से, जो बच्चे इस कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर नहीं प्राप्त हुआ है अभी तक, आपको नहीं वितरण हो पाया, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बस थोड़ा सा वेट कर लेना है, आपको भी टैबलेट मिल जाएगा आपके कॉलेज में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे यहाँ पर देख सकते हैं बनारस इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन निवाह पिंडरा वाराणसी, यहाँ पर 158 टैबलेट प्रेषित कर दिए गए हैं, यानी कि तो जो भी बच्चे इस कॉलेज से हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, अपने कॉलेज से संपर्क बना लें। अगर अभी तक वितरण नहीं हुआ है, वितरण हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है। अब ये जो कॉलेजों का मैं बता रहा हूँ, यहाँ के बच्चे बिल्कुल भी पर बाहरी वॉइस आ सकती है, मैं माइक यूज नहीं करता हूँ, उसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे बासमती देवी
यहाँ पर जो है संकटा प्रसाद महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय, यहाँ पर 266 टैबलेट जो हैं वो भेज दिए गए हैं। तो जितने भी बच्चे इस कॉलेज से हैं परेशान नहीं होंगे, वेट कर लेंगे। अगर अभी तक नहीं वितरण हुआ है और अगर वितरण हो चुका है तो बहुत अच्छी बात आप सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। आगे अब चलिए बात करते हैं जहाँ के बच्चों के लिए अभी तक नहीं अपडेट आई है। तो जैसा कि देखा आपने, आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया कई कॉलेजों का नाम, लिस्ट वगैरह, कितने टैबलेट आपके कॉलेज को मिल चुके हैं, अगर अभी तक वितरण नहीं हुआ है तो उसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दिया है। कि देखिए, कॉलेजों में एक बार तो पहुँच जाता है टैबलेट, लेकिन ये अपने मन के मालिक नहीं हैं कि जब ही चाहेंगे तभी वितरण कर लेंगे। उनको आदेश भी होता है, फिर उसके बाद इनको प्रूफ भी देना होगा कि हमने अपना टैबलेट जो है वो बांट दिया है। ये सारी चीज़ें होती हैं, बिना ये सब चीज़ें किए हुए ये टैबलेट वितरण नहीं हो पाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, थोड़े दिन आप वेट कर लीजिए। अगर आपके कॉलेज में टैबलेट पहुँच चुका है या फिर स्मार्टफोन पहुँच चुका है, आपको वितरण नहीं हो रहा है तो आप परेशान हो रहे हैं। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आदेश जब होगा तभी वितरण किया जाएगा। और लगातार आप देख रहे होंगे कि इस चैनल के माध्यम से टैबलेट स्मार्टफोन वितरण की अपडेट सबसे पहले दी जा रही है। आज कई कॉलेजों का हमने एक साथ दे दिया है, जिससे कि आप सभी लोग समझ सकें कि लगातार टैबलेट स्मार्टफोन के वितरण गवर्नमेंट की तरफ से कराए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं, इसी में ध्यान देंगे आप लोग, कि आपका आजमगढ़ ज़िला हो गया, मऊ ज़िला हो गया, गोरखपुर ज़िला हो गया, वाराणसी ज़िला हो गया, इसके बाद आपका मेरठ ज़िला हो गया, और इसके अलावा कौशाम्बी हो गया। हर जगह बहुत तेज़ तरीके से टैबलेट का वितरण कराया जा रहा है। ये समझ लेंगे कि डेली कहीं ना कहीं कई कॉलेजों में टैबलेट स्मार्टफोन वितरण हो रहा है, और टैबलेट जो है वो तेज़ तरीके से वितरण कराया जा रहा है। क्योंकि पिछले दिनों आप ध्यान दिए होंगे तो टैबलेट का वितरण रुका था, और फिलहाल में इस समय टैबलेट का वितरण बहुत तेज़ तरीके से हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं। अगर आपका नाम अभी तक नहीं आया है, आपको टैबलेट स्मार्टफोन नहीं मिला है, तो परेशान मत होइए। अगर आपने अपना नाम लिखवाया है, आप सेमेस्टर में हैं फाइनल में, या फिर आप पास हो चुके हैं वार्षिक वाला एग्ज़ाम, वेट कर रहे हैं टैबलेट स्मार्टफोन का, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। कुछ ही दिनों में आपका भी नंबर आ जाएगा, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये थी पूरी अपडेट। वीडियो पसंद समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, क्लिक करके जुड़ जाएंगे।